दोस्तों, इस दुनिया में कभी किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि यहाँ के लोग आपके दर्द को रो रो कर पूछते हैं और दूसरों को हंस हंस कर बताते हैं। और दोस्तों, बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले लोग नहीं मिलते। और रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए, दोनों को गवाना आसान है और कमाना मुश्किल। और दोस्तों, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके नजदीक कौन है। और स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना अलग तरीका है। और किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। और एहसास की नमी होना भी बहुत जरूरी है हर रिश्ते में, वरना रेत भी सूखी हो तो हाथों से निकल जाती है। और सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना कि दोस्ती और दुआ में नीयत साफ रखना। और निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और दोस्तों, जो तुम्हारे मौन का अर्थ नहीं समझता, वह संभवतः तुम्हारे शब्दों का भी नहीं समझेगा। और कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। और दोस्तों, मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता पर पाप छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए सुख मिलता नहीं और दुख भोगना पड़ता है। और पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता, बल्कि वह सदैव नए फूलों के खिलने के निर्माण में व्यस्त रहता है। उसी तरह जो कुछ भी हमने खो दिया वह जीवन नहीं है, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं ये जीवन है। और दोस्तों, हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपने शरीर में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा भला करती है। ये बात बहुत सोचने वाली है, तो जरा विचार करना। और जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस चीजों को अलग तरह से करते हैं। और दोस्तों, बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। और दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। और झूठ बोलकर दोस्त बनाने से अच्छा है कि सच बोलकर किसी को दुश्मन बनाया जाए। और दोस्तों, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होती है, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।